नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जहां आज बात मदरसों की। मदरसों पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी विधायक एक गैर शासकीय संकल्प लाने की तैयारी में है। इस संकल्प का मतलब अनुच्छेद 30 की समाप्ति, यानी मदरसों को सरकारी मदद बंद। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए एक गैर सरकारी संकल्प लाने की तैयारी में हैं। इससे मदरसों को सरकारी मदद नहीं मिलेगी, साथ ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक को भी समान शिक्षा का अधिकार मिलने की बात कह रही थी। उधर कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील का कहना है कि इनके दिमाग में मदरसों का वायरस आ गया है, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। तालीम की लड़ाई, संविधान की दुहाई। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें। मदरसों पर लगाम, संकल्प और संग्राम। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। संकल्प की तैयारी, बयानबाजी भारी। ऐसे बगैर अनुमति के जो मदरसों में बच्चे पाए गए, तो कहीं न कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। मदरसा, वायरस और सियासत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी धारा 30 को खत्म कर मदरसों में पढ़ाई पर लगाम लगाने की बात कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि इनके दिमाग में मदरसों का वायरस घुस गया है। हर बार बीजेपी मदरसों पर आ जाती है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। कुल मिलाकर एक बार फिर मदरसों और उसमें होने वाली पढ़ाई सवालों के घेरे में है। इसी पर आज महाडिबेट में होगी बहस। लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवालों पर डालते हैं नजर। आज किन सवालों के इर्द-गिर्द रहेगी महाबहस? मदरसों पर पहला सवाल रहेगा, मदरसों पर फिर क्यों मचा है संग्राम? एक बार फिर मदरसों पर सियासत हो रही है। अगला सवाल रहेगा, क्या मदरसों की तालीम पर यहां सवाल उठाए जा रहे हैं? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, अनुच्छेद 30 क्यों है जरूरी? और मध्य प्रदेश की महाडिबेट आज इन्हीं तीन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बृजगोपाल लोया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं शेख जहीरुद्दीन जी, और कांग्रेस के मेहमान का जुड़ने का हम इंतजार करेंगे। लेकिन बृजगोपाल लोया जी, क्या जरूरत है फिर मदरसों पर इस तरह की मांग करने की? क्या एतराज है आप लोगों को मदरसों से? नहीं, देखिए, केवल मदरसे पर एतराज नहीं है, मदरसे में होने वाली शिक्षा से एतराज है कि क्या आप किसी मदरसे में, जो एक शैक्षणिक संस्था कहलाता है, क्या उसमें धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देना चाहते हैं? हम कभी इसका विरोध नहीं करते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संविधान ये कहता है कि वो उसका मौलिक अधिकार है, परंतु क्या बनने की शिक्षा? उसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्या बन के वहां से क्या निकल रहा है, ये बहुत आवश्यक है और इस पर बड़े गंभीरता से चर्चा होना चाहिए। जो आपने कहा इस पर सियासत तो इनके औचित्य पर होना चाहिए कि औचित्य क्या है, कि हम किस तरह की शिक्षा चाहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल धार्मिक कट्टरता सीख कर आए, या हमारे बच्चे रोजगार? ठीक है ब्रजगोपाल जी, दीनी तालीम धार्मिक कट्टरता कैसे है, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। और एक और सवाल, क्यों आपको ये लगता है, ये बीजेपी को ये लगता है कि मदरसों से निकलने वाला बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है? देखिए, मैं आपको
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर है साथ में, वो ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां मदरसों से हापे जालिम फाजिल और मुफ्ती के अलावा डॉक्टर्स भी निकले हैं, इंजीनियर्स भी निकले हैं। एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो माइनॉरिटी के नाम पर जो हो रहा है, धार्मिक शिक्षा के हम खिलाफ नहीं है, परंतु आप धार्मिक शिक्षा की आड़ में जो कट्टरता की शिक्षा दे रहे हैं उसके उसके खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ रहेगी। एक बात, दूसरी बात, इस बात को पूरा जप करिए कि जिन मदरसों के पास अनुमति नहीं है क्या वो शैक्षणिक संस्थान माने जाएंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने उसका स्कूल शिक्षा विभाग है, उसने तय किए हुए मानदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पर जो शैक्षणिक संस्थान उनकी मान्यताओं चाहेगा उसे देंगे, उसमें कोर्स क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, इसका सरकार का अधिकार है कि वो उस पर नियंत्रण, क्या उसमें राष्ट्रभक्ति सिखाई जा रही है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान सिखाया जा रहा है, यदि नहीं सिखाया जा रहा तो आप भी इस बात को समझती हैं ये आपत्तिजनक है, और इस सच को हमें स्वीकार करना चाहिए कि सरकार ने कहा है कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके खिलाफ एक्शन की बात हो रही है, जो मान्यता प्राप्त है उनके खिलाफ नहीं। फिरोज सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ गए हैं। फिरोज साहब, पहली चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, ठीक है, जो बीजेपी की ओर से जो ये प्रस्ताव लाया गया है, गैर सरकारी प्रस्ताव संकल्प लेने की जो बात कही गई है, उस पर तो रिएक्शन लूंगी ही लूंगी, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, मुस्लिम घरों में जहां पर माँ बाप भाई बहन बड़े भाई बहन जो बच्चों को दीनी तालीम आराम से दे सकते हैं, फिर उन बच्चों को भी मदरसों भेजने की आवश्यकता क्यों है? और जब ऐसे मदरसों में सुधार की बात कही जा रही है मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए ही, फिर इसे वायरस क्यों बता रही है कांग्रेस? देखिए, सवाल ये है कि मदरसा बोर्ड बना हुआ है और मदरसा बोर्ड का जो गठन है वो किया गया था, और इसमें मदरसे बोर्ड में सभी जो बहुत सारे जो अनुदान प्राप्त मदरसे हैं वो अनुदान प्राप्त मदरसे काम अपना अपना काम कर रहे हैं, और उससे के कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये अशासकीय संकल्प लाए हैं, घुमा फिरा के संकल्प लाए हैं कि अनुच्छेद 30 से जो है हम अनुच्छेद 30 हटा दिया जाए संविधान से, ये ऐसा मैंने पढ़ा है, और जो है मदरसों को बंद कर दिया जाए। भाई, धार्मिक शिक्षा का अपना अलग कार्यक्रम है, और जो मदरसा बोर्ड से संलिप्त हैं, जो संबद्ध हैं मदरसे, उनमें स्कूल शिक्षा दी, मतलब स्कूली शिक्षा भी दी जाती है और उनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, और मदरसे में ये जो कह रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, देश के राष्ट्रपति बने, मदरसों से दो दो राष्ट्रपति निकले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो यहीं गुड़ियादाई की जो गली है उसमें रहते थे और मदरसों में वो पढ़े हैं, और हम खाली में अकेले मुस्लिम बच्चों को ही नहीं, अब गैर मुस्लिम बच्चों को भी तालीम देते हैं, और जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम के साथ जो मदरसे चलते हैं उन मदरसों में हम दोनों तालीम देते हैं, कि दीन की तालीम भी देंगे और स्कूली तालीम भी देंगे। सरकार को चाहिए कि उन मदरसों को। लेकिन फिरोज साहब, क्या ये बात, क्या इस बात को लेकर हमें मुंह छिपाना की आवश्यकता है क्या, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मदरसों की आड़ में दीनी तालीम पढ़ाने के नाम में अपना एजेंडा चला रहे हैं, धार्मिक कट्टरता को वहां पर उसका बीज बोया जा रहा है? भाई, अगर ऐसा है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और सख्त कार्रवाई कीजिए। किसी की भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को मान्यता नहीं दी जा सकती। जो भी मदरसा बोर्ड से संबद्ध मदरसे हैं उनके यहाँ सब राष्ट्रगान भी होता है, झंडा भी फहराया जाता है, स्कूल की तालीम भी दी जाती है और धार्मिक तालीम भी दी जाती है, तो इससे सरकार को तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि इनको शिक्षा से ही तकलीफ है। व्यापम हो, नीट हो, नर्सिंग घोटाला हो, अभी 398 करोड़ स्कूली शिक्षा का पैसा जो है लैप्स हो गया और वापस केंद्र सरकार के पास चला गया। क्यों मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए काम नहीं कर पाई, ये इस बात का जवाब नहीं देगी मध्य प्रदेश सरकार। अरे आप अगर मदरसों में कमी है तो आप उसका उन्नयन कर दीजिए, संक्षेप में छोटी छोटी गलियों में वो चलते हैं उनका उन्नयन कर दीजिए, कम से कम शिक्षा से लड़ाई क्यों है? शिक्षा से ही लड़ाई है क्या भारतीय जनता पार्टी? शिक्षा से क्यों लड़ना, शिक्षा विरोधी क्यों है? शिक्षा से जिनकी लड़ाई थी उन्होंने कहां रखा मुस्लिम समाज को? 1947 में देश में कुल आबादी में सरकारी नौकरियों में 14% मुस्लिम थे, जो 2014 तक
घटते घटते कांग्रेस के राज में 2% से नीचे आ गए और आज 10 वर्षों में वो वापस 4% हो गए, यानी इनकी संख्या से 2 गुना हो गए। तो हमने तो उनकी बेहतरी के लिए काम किया है, परंतु जो एक राजनीतिक दल है यदि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान अशिक्षित रहे, वो अपने प्रति ना सोचे, केवल धार्मिक उन्माद के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहे, इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान उस शिक्षा से वंचित रहे जो आज दुनिया में कॉम्पिटिशन के लिए आवश्यक है। और वही जो आपका काम है कि उसे एक वोट बैंक अकेला मानना, अपनी बातों से उसे भरमाए रखना, आपने बेहतरी के लिए नहीं किया, आपने उन्हें अनपढ़ बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि शिक्षा का प्रकाश जहां जहां पहुंचा है वो वर्ग अपने विकास की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है, राष्ट्र की चिंता करता है, और आप ये चाहते हैं वो बुनियादी मुद्दों की चिंता करता है, ना कि वो धार्मिक शिक्षा में ही लीन रहता है। ठीक है, आपकी बात समझ गए। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या एक बार फिर से जो ये मदरसों का मुद्दा उठाया गया है, क्या वाकई वो जरूरी है या फिर सियासी वार पलटवार करने के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया गया है? मदरसों की हालत बेहतर की जा सकती है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या ये जो गैर सरकारी संकल्प है, क्या आधार है इसका? देखिए, मोटे तौर पर जो गैर सरकारी संकल्प आते हैं, विधायक माननीय विधायक सदन में लेकर के आते हैं, इसका सरकार के निर्णय से कोई संबंध नहीं होता और ना इसका राजनीतिक दल से कोई संबंध होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसे उदाहरण है कि जिस राजनीतिक दल ने कोई अशासकीय संकल्प लेकर के आए हैं, उसी राजनीतिक दल के आधे लोगों ने उसका विरोध किया है। और कई बार ऐसे उदाहरण भी है कि विपक्ष का विधायक कोई अशासकीय संकल्प लेकर के आया, वो सर्वसम्मत पारित हुआ, ये मध्य प्रदेश विधानसभा का रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले तो अशासकीय संकल्प अगर आ रहा है तो इसका सरकार से या किसी राजनीतिक दल और समर्थन से इसका कोई विरोध नहीं है, एक बात हमको समझ लेना चाहिए। यदि अशासकीय संकल्प पारित भी होता है तब भी सरकार बाध्य नहीं है कि वो नियम लागू हो जाएगा, एक बात समझ लीजिए। उसकी मिनट्स पर, उसकी मेरिट्स पर चर्चा सरकार अलग से करेगी। तो दूसरा, जहां तक बात आती है, स्वाभाविक रूप से हम एक सेकुलर कंट्री हैं, सेकुलर कंट्री हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक स्वरूप होनी चाहिए। ये जो अंग्रेज करके चले गए थे कि हिंदू के लिए कानून अलग होगा और मुसलमान के लिए कानून अलग होगा, हमको इस पर विचार करना। तीसरी बात, अगर अशासकीय संकल्प आता है और ये पारित होता है और सरकार इस पर निर्णय लेती है, तो इसका आशय ये बिल्कुल नहीं होगा कि मदरसे बंद कर दिए जाएं। इसका आशय केवल ये होगा कि जो शासकीय नियम है, शासकीय पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत मदरसे आ जाएं। तो मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता पूर्वक, और फिर और अशासकीय संकल्प आ जाने दीजिए, उसमें क्या चीज कही गई है। ऐसे उदाहरण भी हैं, अशासकीय संकल्प अगर आता है, अशासकीय संकल्प तो छोड़ दीजिए, शासन अगर कोई विधेयक लेकर के आता है, इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में उदाहरण है, विपक्ष ने अगर कोई सुझाव दिया है तो उस विधेयक में संशोधन हो जाता है। तो अगर अशासकीय संकल्प की बात हो रही है तो उस पर इतने तनाव लेने की, इतना गुस्सा करने की, इतनी कठोर प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकारी विधेयक में विपक्ष के सुझाव से संशोधन हो जाते हैं, 2-2, 3-3 संशोधन हुए हैं इसी मध्य प्रदेश विधानसभा में, तब फिर लेकिन उसके लिए मिल बैठकर बात तो करनी ही होगी ना। बैठ, जब तक संवाद नहीं होगा, संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? शेख जहीरुद्दीन साहब, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं, उसी समुदाय से भी आते हैं, स्कॉलर भी हैं, जो यहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया, एक तो उसकी बारीकी और क्या जरूरी है ये आज के वक्त को देखते हुए। देखिए, ये जो अशासकीय संकल्प हमारे पांडे जी लाने की बात कर रहे हैं और हमारे साथ में भी हमारी भाजपा के साथी बैठे हैं, ये लोग मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेहरे पे फिलहाल में कालक पोतने का कार्य कर रहे हैं। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले भारत में लाया और मदरसा बोर्ड का कायम किया और मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। ये अपने वरिष्ठ नेताओं की विचारधारा के विपरीत जाते हैं और चर्चा में और सुर्खियों में रहने के लिए ये इस तरह के अशासकीय संकल्प लाने की बात कर रहे हैं। माननीय पांडे जी से मैं कहूंगा कि सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से ये जाकर बात करें कि जो मध्य प्रदेश के अंदर मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसे हैं
उनके शिक्षकों को 6 साल से शिक्षा नहीं पेमेंट नहीं मिला है, अनुदान नहीं मिला है, उसके बावजूद वो आधुनिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह के आशासन के संकल्प लाना से बेहतर था कि अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान दे देते, शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दे देते, वहां के रोड पर थोड़ा ध्यान दे देते, उस इलाके में कुछ उद्योग लेकर आ जाते। ये भाजपा सरकार और भाजपा के नेता जिस दिन अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना और उनकी विचारधाराओं पर चलना सीख लेंगे, उस दिन ये दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे। ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि मदरसों से ये बताइए कि डॉक्टर नहीं निकल रहे हैं, एडवोकेट नहीं निकल रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के एक साथी बता रहे थे कि मदरसों से हमने भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम दिया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दिया है, फखरुद्दीन अली अहमद दिया है, 2-3 राष्ट्रपति दिया है, मिसाइल मैन दिया है। ये मदरसों की देन है, मदरसों पे उंगली उठाकर। ठीक है, मदरसों की लेगेसी की आप ये बात कर रहे हैं तो बात तो वहाँ पर यही उठती है ना, लेकिन शेख साहब वो लेगेसी वहीं पर क्यों रुक रही है, आगे और नाम क्यों नहीं सामने आ रहे, ये भी तो एक सवाल है ना। आऊंगी आपके पास, लेकिन लोया जी जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर तो आप बात नहीं कर रहे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 10 मिनट का, मैं मदरसे की देन बैठा हूँ, मैं आपके सामने एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख मदरसे की देन बैठा हूँ, मैं मदरसे से निकला हूँ, आप अपना चश्मा बदलिए ना, आप हमेशा मदरसे को एक ही चीज से देखेंगे, आप गुरुकुल बंद करिए, गुरुकुल की क्या आवश्यकता है भाई, धार्मिक शिक्षा। शेख साहब, धर्म का गुरुकुल में हिंदू समुदाय के कितने घरों के बच्चे जाते होंगे, 5 या 10%, मुस्लिम में तो 80% बच्चे जाते ही है ना मुसलमानों के, है कि नहीं? मेरा उन्हें हिंदू परिवार के बच्चों को गुरुकुल जाने से कौन रोक रहे हैं मुझे पहले? नहीं, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब जिस दीनी तालीम के लिए मुसलमानों के बच्चे जाते हैं मदरसे, वो तालीम तो घर के बुजुर्ग दे सकते हैं उन्हें। जो तालीम, जिस काम का जो शिक्षक है, जो सब्जेक्ट का माहिर है, वो ही दे तो बेहतर है। हमारे वहाँ पे मौलवी है, हमारे वहाँ पे मुफ्ती है। ठीक है लोया जी, कुछ कहना चाहिए लोया जी? आज तो वहाँ पे शंकराचार्य गुरुकुल में बड़े, अरे कितने बच्चे जाते हैं शंकराचार्य जी के पास, क्या बात कर रहे हैं आप? किसी के धर्म पे उंगली उठा रहा? नहीं नहीं, धर्म पर उंगली कोई नहीं उठा रहा, धर्म पर उंगली कोई नहीं उठा रहा। तो नहीं जा रहा, उनको रोक कौन रहा है, उसका भंडार। मदरसों की हालत ठीक करने की बात यहाँ पर सरकार कह रही है, अगर आपकी शंका है तो वो उठाइए ना। आप गुरुकुल में हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने भेजिए, वो नहीं जा रहे तो उसका भंडार भी मुसलमानों को फोड़ा जाएगा। आप खुद धार्मिक शिक्षा से दूर रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, अरे कंटेम्प्रेरी स्टडीज की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है लोया जी, उन्हें भी रोकोगे, उन्हें भी उठाएंगे। अरे रोकने की बात नहीं है भाई, उत्थान की बात हो रही है यहाँ पर, उठाने की बात हो रही है मुस्लिम आवाम की। जी लोया जी बोलिए जी, मुझे उत्थान जो हो रही है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर 6 साल में जो शिक्षकों का पेमेंट रोका हुआ है, वही सवाल का जवाब ले रही हूँ शेख साहब। शांत हो जाइए थोड़ा सा, ठीक है जी। देखिए मैं बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो मुझे कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि शेख साहब जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं समझ रहा था कि शायद इस्लाम की कुछ अच्छी बातें बताएंगे, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है आप जिन गुरुकुलों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं शेख साहब, वहाँ पढ़ाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जिन मदरसों की हम बात कर रहे हैं वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है और मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है। 5% और यदि उठाइए तो उसका उत्तर जरूर सुनिएगा।
ये जो मैंने कहा है कि मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है ये सच है या नहीं, बिल्कुल आप ईमानदारी से जवाब दें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़े ईमान के साथ इसका जवाब देंगे कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो दुर्भाग्य ये है कि इस देश में यदि हम सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे तो सर्वधर्म संभाव कहां से पैदा होगा? हमारी शिक्षा से पैदा होगा। कैसे आप यदि ये कहेंगे कि इबादत के लिए एक अल्लाह के अलावा कोई योग्य नहीं है तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो बच्चा निकलकर बाहर किसी दूसरे धर्म के भगवान पे कोई विश्वास या आस्था रखेगा? नहीं रखेगा। हमारा मानना यह है कि जो शिक्षा वहां दी जा रही है वो शिक्षा कितनी उपयोगी है, आधुनिक विश्व के साथ चलने योग्य है या नहीं है। और एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह कि क्या धार्मिक शिक्षा के नाम पर वहां जिहादी और जो तालिबानी शिक्षा है वो तो नहीं दी जा रही? और इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है और मैं समझता हूं इसकी आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपके बच्चे कहीं गलत पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं। और यदि इसकी मॉनिटरिंग होती है तो मैं समझता हूं इसका अभिनंदन सबसे पहले मुस्लिम समाज को आकर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दीन की शिक्षा दे रहे हैं तो दीन के खिलाफ तो कोई नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो दीन है वो तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तो ये जो शिक्षा दी जाएगी उसका कोई विरोध नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की शिक्षा के साथ है। आपने अभी नाम लिया कि अटल जी के जमाने में आधुनिकीकरण हुआ और हम वही बात लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आधुनिक मदरसे चाहती है। वो चाहती है कि दूसरे बच्चों के बराबरी के इंटेलिजेंट डेलीजेंट और ओबीडिएंट। लेकिन कैसे होगा ना, आधुनिकीकरण की आपकी सरकार बात तो कर रही है लेकिन शेख जहीरुद्दीन तो गिनवा रहे हैं कि 5-6 साल से तो वहां पर जो पढ़ाने वाले हैं उनको सैलरी नहीं मिली, इसका भी तो ध्यान रखना होगा। सैलरी मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी जो कह रहे थे कि अभिलाष पांडे जी अशासकीय संकल्प लाने पे अमल करना पड़ेगा, क्या मदरसों की हालात के अकील साहब के दो दो मुस्लिम विधायक है क्या उन्होंने कोई अशासकीय बिल लाने का प्रयत्न किया? विधानसभा में प्रश्न तक नहीं लगा। अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहने वाले लोग उनकी बेहतरी और खुशहाली के लिए क्या कर रहे हैं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है इस मध्य प्रदेश। हाँ, फिरोज सिद्दीकी साहब जवाब दीजिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिएगा क्या? मुसलमानों से बस वोट लीजिएगा, कुछ उनके काम के लिए मुद्दे मत उठाइएगा, ये कह रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी। देखिए ये ब्रजगोपाल लोया जी तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप बताइए कि आप आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, आपने क्यों बंद कर दी मौलाना आजाद स्कॉलरशिप फंड को, जिसमें लोग हैं ना माइनॉरिटी के लोग रिसर्च के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी कि वो एमफिल कर सकें, पीएचडी कर सकें और अगर अदर स्टडीज़ के लिए वो जाना चाहते हैं वो कर सकें। आप बताइए ना, 6 साल से आप क्यों तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? कौन है अध्यक्ष है आपके मदरसा बोर्ड का, बताओ कौन है? 6 साल से अध्यक्ष नहीं आया मदरसा बोर्ड में। और बड़ी बड़ी बात है ये पूरी अपर्णा जो 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 ये सरकार फंस गई है, ये सरकार जो है फंस गई है। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है जो ये इनकी सरकार फंस गई है, ये इनकी सरकार फंस गई है नर्सिंग घोटाले में, तो अपने मंत्री का इस्तीफा बचाने के लिए ये नया हिंदू मुस्लिम का मसला ले आए। बताइए, आप बोलिए यहाँ से लोया जी की आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए उनके 6 साल पुराने को। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ फिरोज जी, यदि नर्सिंग घोटाले पे चर्चा करनी है तो विधानसभा में 4 घंटे तक इतिहास में सर्वाधिक चर्चा हुई है। हम जीरो टॉलरेंट हैं, हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार। बताइए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आपकी सरकार की क्या योजना है? आप जवाब देते नहीं है किसी बात का। ज्यादा मदरसों का जो उन्हें सर्टिफिकेट के खिलाफ है ये सरकार। ठीक है, लोया जी क्योंकि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं ना तो आपकी आवाज बीच में ब्रेक कर रही है, लेकिन रमेश शर्मा जी हर चीज में शिक्षा में जिस तरह से आपने समझाया कि अनुच्छेद 30 के जो गैर शासकीय संकल्प है इस पर चर्चा हो सकती है और आगे क्या होगा इसके लिए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ बहस छेड़ने के मकसद से छेड़ी गई है या वाकई लग रहा है कि सार्थक दिशा में चर्चा हो पाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस विषय पर बहस करना समय को ऊर्जा को नष्ट करना है। ये अशासकीय संकल्प यदि पारित हो जाता है
और सरकार इसको मान भी लेती है तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे। केवल इतना होगा कि सरकार के कुछ नियम मदरसों पर लागू होंगे, मदरसे बंद नहीं होंगे, उनके अंदर अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सरकार के कुछ गाइडलाइन से कुछ फ्रेम इसमें लागू होगा, एक बात। दूसरा, जो बिना अनुमति के शासन की बिना अनुमति के मदरसे चल रहे हैं उन पर जरूर रोक लगेगी, लेकिन उन मदरसों को यह अवसर दिया जाएगा कि वो सरकार के नियम कानून के तहत मान्यता ले लें। इसमें अनावश्यक चर्चा करके ये बेमतलब का तनाव फैलाना है, समाज में विभाजन करना है, इसका इंतजार करना चाहिए, शासकीय संकल्प आ जाने दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा में शामिल होने के लिए, और चर्चा होना बेहद जरूरी है, सार्थक दिशा चर्चा के जरिए ही हो पाएगी, संवाद से ही समाधान निकलता है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।